बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वैस राजपूत एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा 125 प्राइस इन पाकिस्तान और आप लोगों को इसकी प्राइस बताएंगे क्योंकि प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही है, पहले प्राइसेस और थी और हैं। तो आमिर भाई मेरे पास मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और होंडा 125 प्राइस इन पाकिस्तान 2023 आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमर भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा अमर भाई, सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये एग्जैक्ट मॉडल 2022 है या 2023 है? ये 2023 है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ये मॉडल जो है वो अलग होता है और टैंकी टॉप पे के जो स्टिकर हैं वो चेंज होते हैं, जिस वजह से ये मॉडल 23 आ जाता है। ये साल के एंड पर स्टिकर चेंज कर देते हैं, उसे कह देते हैं नेक्स्ट मॉडल का, नेक्स्ट ईयर का मॉडल कह देते हैं। ये बेसिकली तो 2022 में जो है ये स्टिकर आया है और अब ये मॉडल 2023 है। अच्छा, इस वक्त इसकी प्राइस कितनी है और पहले प्राइस कितनी थी? ये पहले तो फॉल करता था 1,86,000 रुपये में, अब इसकी प्राइस है 1,94,900 रुपये। अच्छा, इसकी रजिस्ट्रेशन कितनी है? इसकी रजिस्ट्रेशन 6,500 से 7,000 रुपये में। 6,500 से 7,000 में प्राइस अचानक से काफ़ी हो गई है। जी जी, इसकी क्या वजह? ये डॉलर फ्लक्चुएशन है जी, इसकी वजह से। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कहीं कंपनी की तरफ से की गई है या वही हमें पुराना जो है मॉडल या स्ट्रक्चर इसका नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, जैसा पहले आता था वैसे ही अभी तक आ रहा है। मतलब खास कोई चेंजिंग नहीं हुई इसमें? खास क्या, कोई चेंजिंग नहीं हुई। आपके ख्याल से इसमें कौन सी चेंजिंग होनी चाहिए थी? जी इसमें चेंजिंग तो कुछ भी नहीं आई इसमें। हाँ, वक्त के साथ साथ इन्हें इंक्रीज अपना अपग्रेड करना चाहिए था ना, इसमें अपना गियर इंडिकेटर है ना, फ्यूल टैंक इंडिकेशन है, कुछ भी नहीं है, इसे थोड़ा सा अपग्रेड इन्हें करना चाहिए था। अच्छा, टायर के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, मतलब प्राइस इतनी ज़्यादा हो गई है और टायर इसमें सुना था कि 4 प्लाई मोस्टली आ रहे हैं, तो इसका क्या सीन है? इसमें फ्रंट पे 4 प्लाई है, पीछे जो है इस पे 6 प्लाई है। ठीक है, उसके अलावा हमें ये साइलेंसर नज़र आ रहा है, ये पहले आम तो है वो वाइट आ रहा था सिल्वर कलर में, लेकिन अब इन्होंने ब्लैक कलर कर दिया, उसकी क्या वजह? ये यूरो 2 किया था इन्होंने 2011 में, तो उसके बाद से ये साइलेंसर आ रहा है इसमें यूरो 2 वाला ब्लैक। अच्छा, इसके फ्यूल जो टैंक है वो भी सेम है? इसमें पेट्रोल 9 से 10 लीटर मैक्सिमम। अमर भाई, सेफ्टी के हवाले से अगर आप हमें बताएं क्या इसमें एडजस्टमेंट की गई है? सेफ्टी में इसमें कुछ भी नहीं है जी सर, सिर्फ एक हैंडल लॉक और अपना स्विच आता है इसमें बस। मतलब आपके ख्याल से इसमें ये सेफ्टी मेजरमेंट काफ़ी है, इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? जी जी, होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, कोई इस पर सेफ्टी अपग्रेड नहीं किए गए। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का होंडा 125 प्राइस इन पाकिस्तान। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसकी प्राइस और इसमें क्या चेंजिंग होनी चाहिए थे हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे और अमर भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।